अपनी मर्जी ना रखे, जाना मर्जी ना आए, एक टाइम टेबल बना दे भी तुसी जिथे मर्जी जाओ। गुरु मेरी सासन जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। गुरविंदर कौर जी आप जी राम किले की बार शुरू करोगे? गुरविंदर कौर जी हाँ जी बाकी ड्यूटी लगा के श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंद सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशे गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव सांत सदगुरु मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आज का जुजु गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूर पापी जित लग तरा गुरुदेव सदगुर पाप ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक कर नमस्कारा गुरुदेव सदगुर पाप ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा वाहिगुरु। राम कली की वार राय बलवंत सत्था सत्य दुमा की इक्योंकार सतगुर प्रसाद नाव करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खीम दे गुना सत पैन प्राव है परंगत दान पड़ीम दे नानक राज चलाया सच कोट स्थानी नीम दे लहने तरियन छत्र सिर कर सिफती अमृत पीम दे मत गुर आत्म देव दी खड़क जोर पारुके जी दे गुर चेले रास की नानक सलामत थीम दे सह टिका दि तोस जीम दे लहने दी फेराइए नानका दोही खटिए जोत ओहा जुगत साई सह काया फेर पलटिए चूल्हे सु छत नजनी मटकत बैठा गुर हटिए करे जे गुर फुरमाया सिर जो कलूनी चटिए लंगर चले गुर शब्द हर तोड़ना आवी खटिए खर्चे दित खसम दी आप रेंदी खैर दबटिए होवे सिफत खसम दी नुर अरसों कुरसों चटिए दुडिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए
सच जे गुर फुरमाया क्यों एंदू बोलो हटिए पुत्री कोल ना पालो कर पीरों का नमरटिए दिल खोटे आकी फिरन बन पार उचाइन छटिए जिन आखी सोई करे जिन कीती तीने थटिए कौन हारे किन ओवटिए जिन कीती सो मनना को साल जिवाहे साली धर्म राय है देवता लै गल्ला करे दलाली सतगुर आखे सच्चा करे सब बात होवे दरहाली गुर अंगद दी दोही फ्री सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तखत बैठा सह डाली दर सेवे उमत खड़ी मस्कले होए जंगाली दर दरवेश खसम दे नाय सच्चे बाणी लाली बलवंड की भी नेक जन जिस पोती छाओ पतलाली लंगर दौलत वंडिये रस अमृत खीर क्याली गुर सिखा के मुख उजले मन मुख दिए किए पराली पये कबूल खसम बनाल जाओ काल मर्दी काली माता की भी सो सोए जिन गोए उठाली होरे ओ गंग बहाइए दुनियाई आखे की क्यों न नानक ईसर जगन्नाथ उचे दी वैन वीर क्यों न माधा ना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द लिड़ क्यों न चौदे रतन कालियन कर आवा कौन चिल क्यों न कुदरत ऐवे खालियन जिन एवड पिट ठिन क्यों न लैने तरियन छत्र सिर आसमान कियाड़ा छिक्यों न ज्योत समानी ज्योत माए आप आपे से तीन क्यों न सिखा पुत्रा कोक के सब उमत वे खोजी को क्यों न जा सुदोस ता लहना टिक्यों न फेर वसाया फेर वान सतगुरु का डूर जब तब संजम नाल तुद होर मुच गरूर लब विनाय मानसा जो पानी भूर वरिये दरगे गुरु की कुदरती नूर जित सो हाथ न लबई तू ओठ खरूर नोनिद नाम निधान है तुद विच परपूर निंदा तेरी जो करे सो वंजे चूर नेड़े दिसे मात लोक तुद सूजे दूर फेर वसाया फेर वान सतूर का डूर सो टिक्का सो बैना सोई दीवान प्यो दादे जे व्या पोता परवान जिन बासक नेत्रे कत्या कर नहीं तान जिन समुद्र विरोलिया कर मेर मधान चौदे रतन निकालियन की तोन चनान कोड़ा की तो सहजा जत की ओ पलान तनक चढ़ायो सत दा जस हंदा बान कल विच तू अंधार सा चढ़िया रह पान सत्तों के जमायो सत्तो छावान नितर सोई तेरिये क्यों मैदा खान चारे कुंडा सुजियो मन में शब्द परवान आवा को निवार्यो कर सदर नदर निशान ओतरिया ओतार ले सो पुरख सुजान चखड़ भाव न डोलई पर्वत में रान जाने बिरथा जी की जानी हूँ जान क्या सलाई सच्चे पातशाह जातू सुगर सुजान दान जे सतगुर पाप सी सो सत्य दान नानक हंदा छत सिर उमत हैरान सो टिक्का सो बैना सोई दीवान प्यो दादे जे व्या पोतरा परवान तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिर जन हाले तारिया सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथा अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया जिनी तू सेव्या पौ कर से तुद पार उतारिया लब लोक काम क्रोध मोह मार कड़े तुद स परवारिया तन सो तेरा थान है सच तेरा पैसकारिया नानक तू लैना तू है गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा ता मन सदारिया चारे जागे चो जुगी पंचायन आपे हुआ आपी ने आप साजियों आपे ही थम खलोया आपे पट्टी कलम आप आपे लिखन हारा हुआ
सब उमत आमन जामनी आपे ही नमा न रोया, तकत बैठा अर्जन गुरु सतगुरु का खिवे चंदोया, उगवने ते आत्मने चो चक्की कियन लोआ, जिनी गुरु ना सेव्यो मनुखा पया मोआ, दूनी चोनी करामा सच्चे का सच्चा टोआ, चारे जागे चो जुगी पंचायन आपे होआ, उगवने ते आत्मने ओ चो चुकी कियन लोआ, जिनी गुरु ना सेव्यो मनमुखा पया मोआ, दूनी चोनी करामात सच्चे का सच्चा टोआ, चारे जागे चो जुगी पंचायन आपे हुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक महला नवा, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म आरत कीन, कहो नानक हर भज मना जह बिर जल को मीन, बिखियन सियो काहे रचियो निमक न होए उदास, कहो नानक भज हर मना पर न जम के खा, पर न कहो नानक, सॉरी मैं फिर तो बोल दिया, मेरे को थोड़ा आगे पीछे हो गया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक महला नवा, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर पज मना जे बिद जल को मीन, बिखियन सियो काहे रचियो निमक न होए उदास, कहो नानक पज हर मना पर न जम की फास, तरना पो यो ही गयो लियो जरा तन जीत, कहो नानक पज हर मना औध जात है बीत, बिरद पयो सूझे नहीं काल पहुँचियो आन, कहो नानक नर बावरे क्यों न पजे भगवान, तन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, इन में कछ संगी नहीं नानक साची जान, पतित उधारन पैहरन हर अनाथ के नाथ, कहो नानक तेह जानिए सदा बसत तुम साथ, तन धन जिह तो कौ दियो तासियो ने हो नकीन, कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन, तन धन संपै सुख दियो अर जिहनी के ताम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम, सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए, कहो नानक सुन रे मना तेह सिमरत गत होए, जेह सिमरत गत पाईए तेह पजरे तैमीत, कहो नानक सुन रे मना ओध घटत है नीत, पांच तत् को तन रचियो जान हो चतुर सुजान, जेहते उपजियो नान कालीन तहे मैं मान, कट कट मैं हर जू बसै संतन कहियो पुकार, कहो नानक तिह पज मना पौ निध उतरे पार, सुख दुख जेह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान, उस्तत निंदया नाहि जेह कंचन लोह समान, कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहे तै जान, हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहे तै जान, पै काहू को देत नह नह पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बकान,
जिह बिखिया सगली तजी लियो भेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना तेह नर माथै भाग। जिह माया ममता तजी सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना तेह कट ब्रह्म निवास। जिह प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान। कहो नानक बहुमुखत नर एह मन साची मान। पैना सन दुरमत हरन कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक पजै सफल होए तेह काम। जेह बागुन गोबिंद पजो करन सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना परै न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरै और न लेत उधार। जो सुपना अर पेकना ऐसे जग को जान। इन में कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निसदन माया कारने प्राणी डोलत नीत। कूटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुद बुदा उपजै बिन सैनीत। जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई मद माया कै अंध। कहो नानक बिन हर पजन परत काहे जम पंद। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुक देह। माया कारण ता वही मूरख लोग अजान। कहो नानक बिन हर पजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तेह जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं पद रहियो बिसरियो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन जीवन कोने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध। कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम पंध। सुख में बहु संगी पए दुख में संग न कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निर्भय पावे बास। जतन बहुत मैं कर रहियो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदियो राख लियो भगवान। बाल जुआनी अर बिरत फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बेथा सब ही मान। करणो हुतो सुना कियो परियो लोभ कै पंध। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहयो निकसत नाहि नमीत। नानक मूरत चित्र जियो छाड़ित नाहिन पीत। नर चाहत कछ और की और पई। चितवत रहयो ठगोर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमर तिह पूर्ण होवे काम। झूठे मान कहा करे जग सुपने जियो जान। इन में कछ तेरो नहीं नानक कहो बुखान। गर्भ करत है देह को बिनसै छिन में मीत।
जेह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जेह प्राणी कह नाहे मन जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन स्वामी को गृह जियो सदा स्वान तजत नहीं नेत नानक एह बिदहर पजो एक मन होए एक चित तीरथ बरत अरदान कर मन में तरे गुमान नानक नेह फल जात तेह जियो कुंचर इसनान सिर कंप्यो पग डग मगे नैन जोत ते हीन कहो नानक एह बिद पई तउ नहर रसलीन निज कर देखियो जगत में को काहू को ना है नानक थिर हर भगत है तेहरा को मन माए जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कह नानक थिर ना रहे जो बालू की पीत राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हो एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कछु न होत उपाय कहो नानक अब ओट हर गज जो हो सहाय बल हो आ बंधन छुटे सब किच होत उपाय नानक सब किच तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ कहो नानक एह बिपत में टेक एक रघुनाथ नाम रहयो साधु रहयो रहयो गुरु गोविंद कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुरु मंत राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए जेह समरत संकट मिटे दर्स तुहारो होए राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए जेह सिमरत संकट मिटे दर्स तुहारो होए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी शब्द हजारे माज महला पंजवा चौक दे कर पहला मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई बिलप करे चात्रि की न्याई त्रिखा न उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हो कोली जियो कोल घुमाई गुरु दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सुदेश जहां तू वस्या मेरे सजन मीत मुरारे जियो हो कोली जियो कोल घुमाई हो कोल घुमाई गुर सजन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल जुग होता हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारी जियो हो कोली जियो कोल कुमाई इस सच्चे गुर दरबारी जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ बिनासी कर में पाया सेव करी पल चसा न विछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हो कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारी जियो रहाओ
तनासरी महला पहला कर पहला चोप दे निरंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वय अकाल मूरत अजूनी सै भंगुर प्रसाद जी ऑर्डरत है अपना कैसे करी पुकार दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार साहेब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाओ अंदिन साहेब सेवी है अंत छड़ाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए दयाल तेरे नाम तरा सदगुर बाणे जाओ रहाओ सर्वं साचा एक है दूजा नाही कोए ताकि सेवा सो करे जा को नदर करे तुद बाज प्यारे केव रहा सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए जिस आगे प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी साहेब अपना अवर न जाचो कोए नानक ताका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए साहेब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ तिलंग महला पहला कर तीजा इकोंकार सतगुर प्रसाद एह तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए मेरा कंध ना पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन सेजै जाए ओ कुर्बाने जाओ मेहरबाना ओ कुर्बाने जाओ ओ कुर्बाने जाओ तिना के लैन जो तेरा नाओ लैन जो तेरा नाओ तिना के ओ सद कुर्बाने जाओ रहाओ काया रंगण जे थी है प्यारे पाइए नाओ मजीठ रंगण वाला जे रंगे साहेब ऐसा रंग ना डीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास तोड़ तिना की जे मिले जी कोह नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामण कंते पावे आपे ही रावे तिलंग महला पहला यानड़िये मानड़ा काय करे आपनड़े कर हर रंगो की ना माने सोनेड़े तन कमलिए बाहर क्या टूडे पैकिया दे सलाइया नैनी पाव का कर सिंगारो ता सुहागण जानिए लागी जा सोह तरे प्यारो यानी बाली क्या करे जा तन कंत ना पावे करण भला करे बहु तेरे सा तन महल ना पावे बिन कर्मा किच पाई है नाही जे बहु तेरा तावे लाभ लोभ अहंकार की माती माया माहे समाणी इनी बाती शोह पाई है नाही पई कामणे आणी जाए पुछो सोहागणी वाहे किनी बाती शोह पाई है जो किच करे सो भला कर मानिए हिकमत हुकम चुकाई है जाके प्रेम पदारत पाई है तो चरणी चित लाइये शोह कहे सो की जय तन मनो दीजे ऐसा परमल लाइये एव कहे सो हागणी पैणे इनी बाती शोह पाइये आप गवाइये ता सोह पाइये और कैसी चतुराई शोह नदर कर देखे सो दिन लेखे कामण नो निध पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती अहनिस पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचखण कही ऐसा सियाणी सुही महला पहला कौन तरा जी कवन तुला तेरा कवन सराप बुलावा कौन गुरु कै पह दीख्या लेवा कै पह मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल मैयल भरपुर लीना तू आपे सर्ब समाणा रहो मन तारा जी चित तुला तेरी सेव सराफ कमावा कट ही पीतर सोशों तोली इन बिद चित रहावा आपे कंडा तोल तरा जी आपे तोलन हारा
आपे देखे आपे बुझे आपे है वण जारा अंधला नीच जात परदेसी खिनावे तिल जावे ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मूड़ा पावे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद राग बिलावल महला पहला चौप दे कर पहला। तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कवन वडाई जो तू देहे सु कहा स्वामी मैं मूरख कह न जाई तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच में रहो रजाई रहो जो किच हुआ सब किच तुझते तेरी सब सुनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चतुराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथ ना जाई जो तुझ पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई एते कुकर हो बेगाना पोका इस तन ताई भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमे ना हो न जाई एते कुकर हो बेगाना पोका इस तन ताई भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमे ना हो न जाई। बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेश कलंदर कट ही तीरथ नावा एक शब्द मेरे प्राण बसत है बाहुण जन्म ना आवा मन बेदया दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई रहो अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी जलधल मैयल पर पुरलीना कट कट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह साहेब जी महाराज शस्त्र नाम माला एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अथ श्री शस्त्र नाम माला पुराण लिखिया ते श्री भगवती जी सहाय पातशाही दसवीं दोहरा सांग सरोही सैफ अस तीर तुपक तलवार सतरंत कव चांत कर करिय रच हमार अस किरपान तारा तरी सैल सूफ जमदाड कब चंतक सतरांत कर तेग तीर तरवाड अस किरपान खंडो खड़ग तुपक तवर अर तीर सैफ सरोही सहथी यह हमारे पीर तीर तुही सहथी तुही तुही तवर तलवार नाम तिहारो जो जपे पे सिंध पव पार काल तुही काली तुही तुही तेग अर तीर तुही निशानी जीत की आज तुही जगवीर तुही सोल सहथी तवर तू निखांग अर मान तुही कटारी सेल सब तुम ही करद किरपान शस्त्र अस्त्र तुम ही सिपर तुम ही कवच निखांग कवच अंतक तुम ही बने तुम व्यापक सर्वांग श्री तू सब कारण तू ही तू विद्या को सार तुम सब को उपराज ही तुम ही लिहो वार तुम ही दिन रजनी तू ही तुम ही जियन उपाय कौतक हेरन के नमित तेनमो बाद बढ़ाए अस किरपान खंडो खड़ग सैफ तेग तरवार
रक्ष करो हमरी सदा कव चंतक करवार। तू ही कटारी दाड़ जम तू बिछुओ अरबान। तो पद पद जे लीजिए रक्ष दास मोह जान। बांक बजर बिछुओ तू ही तवर तरवार। तू ही कटारी सहती करिए रक्ष हमार। तुम ही गुरज तुम ही गदा तुम ही तीर तुफंग। दास जान मोरी सदा रक्षा करो सर्वांग। छुरी कलम रिप करद पन खंजर भुगदा नाए। अर्ध रिजक सब जगत को मोहे तुम लेहो बचाए। प्रथम पावो जगत तुम ही पंथ बनाए। आप तू ही चगरा करो तुम ही करो सहाय। मच्छ कच्छ बरा तुम बावन अवतार। नार सिंह बौदा तुही जगत को सार। तुही राम श्री कृष्ण तुही विष्ण को रूप। तुही प्रजा सब जगत की तुही आप ही पूप। तुही विपर छतरी तुही रंक अर राव। श्याम दाम यार डंड तुम ही पेद पाओ। सीस तुही काया तुही तै प्राणी के प्राण। तै विद्या जग भक्तर होए करे वेद बख्यान। बसेख बान तन खागरपन सार कै बरजे नाम। तीर खतंग तता रचे सदा करो मम काम। तैनी राले शतर अर मृगंतक ससवान। तुम बैरन प्रथमे हनो बहरो बजय किरपान। तुम पाटस पासी परस परम सिंध के खान। ते जग के राजा पे दी तब जे वरदान। शीस शतर अर आर अस खंडो खड़ग कृपान। शकर सुरेसर तुम कियो भगत आपनो जान। जम तर जम दाड़ा जवर जदंतक जे नाय। लूट कूट ली जत तिने जेवन बांधे जाए। बांक बजर विशोभ सिख विरहवान सब रूप। जिनको तुम कृपा करी पे जगत के पूप। शस्त्र शेर सम्रांत कर सिपरार शमशेर। मुक्त जाल जम के पे जिमे कहो एक बेर। सैफ सरोही शतर अर सारंगार जे नाम। सदा हमारे चित वसो सदा करो मम काम। सैफ सरोही शतर अर सारंगार जे नाम। सदा हमारे चित वसो सदा करो मम काम। वित श्री नाम आला पुराणे श्री भगवती उस्तत। प्रथम त्याय समाप्तम सत शुभम सत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनदीप भैन जी एक मिनट भैन जी मैं भी देख रहा हूँ। चौपाई साहब है ना एक मिनट। हाँ जी सुखमन कर रहे संगत जी मेरी बैटरी जी ना 3% रह गई है सिर्फ। एक सुखमनदीप कौर जी तो बाद फिर गुरविंदर कौर जी है और फिर कथा सेवा भैन जी दी है रविंद्र जी चौधरी। जसमीत कौर जी आप जी कितने 16 कर लेना। मेरा मोबाइल बंद होने वाला है तो मैं होस्ट करता हरप्रीत कौर जी ने। हरप्रीत कौर जी आप सुन रहे मेरी गल। अच्छा जसमीत कौर जी आप भी कर लो रहराज साहब और मंजू जी या मनप्रीत कौर जी आप भी कर लेना। कीर्तन सोहिला जी मैं आप जी नु माइक दे रहे हैं जी। आप सबको माइक है इस टाइम। हाँ जी चौपाई साहब शुरू करो। सुखमनदीप कौर जी मैं करा रहा राज साहब। हाँ मम्मी आप राज साहब आप कर लेना। तो चौपाई साहब कर रहे हैं पहनी उसको राज साहब मम्मी आप कर लेना ठीक है। ओके बट
वाहेगुरु 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 धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज चल जीओ वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कभी ओ बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम काव हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिये सब बैरन कौ आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर नाते आऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ द मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय मुझो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुज जु करिय और अच्छा राख ले हो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जु अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल सब जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को पल मोह बध कियो काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बुझ उचार है तुम सब हीते रहत निरालम जानत बेद पेद अर आलम निरंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल अनाद असंब ता का मूढ़ उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ता कौ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ पेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तुह देती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तजकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी सरिष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो होया मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आया है ताके काल निकट नह आया है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टन तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक महर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वस कह ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास दे ताहे उबारा जिन नर नाम ते हारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत मैं शरण ते हारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरण सुबराता किलबिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शह करता
श्री अस्तोज जब पैदा आला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़ेल सुना गुंग जो याहे सरसना पावई सुना मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संब सत्रह सहस पनी जय अर्ध सहस पन तीन कही जय भाद्रव सुधि अष्टमी रववारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सोया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहयो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहयो तोहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तोहार सगल द्वार को छाड़ के गहयो तोहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तोहार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह हर जुग जुग भगत पाया पैज रखता आया राम राजे हर नाकश दुष्टर मारिया प्रहलाद तराया हंकारिया निंदका पिठ दे नाम दियो मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंतले छड़ाया श्लोक महला पहला दुख दारो सुख रोग पिया जासु ताम न होई तू करता करना मैं ना ही जाहो करी न होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जाता कल कला पर पूरिया तू सच्चा साहेब सिस्वाल्यो जिनकी तीसो पार पिया कहो ना न करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा सो दरागा सा मल्ला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सोदर तेरा के हा सो कर के हा जित पर सर समाले वाजे तेरे नाद अनेक संखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परी सो कहन केते तेरे गावन हारे गावन तुनो पौन पानी बेसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुनो चित गुप्त लिख जाना लिख लिख धर्म विचारे गावन तुनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुनो सिस समाधि अंदर गावन तुनो साध विचारे गावन तुनो जति सती संतोखी गावन तुनो वीर करारे गावन तुनो पंडित पढ़ रखी सर जुजु वेदा नाले गावन तुनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मच प्याले गावन तुनो रतन उपाय तेरे अरसर तीर्थ नाले गावन तुनो जोध महाबल सूरा गावन तुनो खानी चारे गावन तुनो खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भक्त रसाले और केते तुदनो गावन से मैं चित नावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सहसा है साचा साची नाई है भी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिनो पाई कर कर देखे किता अपना ज्योतिष दी वड्याई जो तिस पावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पाशा सहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा मल्ला पहला सुन वड्डा आखे सब कोय केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहा जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुनी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह न जाई तिल तिल वड्याई सब सत सब तब सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा क्या वड्याईया तुदविन सिद्धि किने ना पाईया करम मिले न ठाक रहाईया आखन वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे भंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सस सवारन हारा आसा मल्ला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आखने औखा साचा नाओ सच नाम की लागे भूख उत पुके खे चलिए दुख सो क्यों विसरे मेरी माए सचा साहेब सच नाए रहो
साचे नाम की तिल वड्याई आख थकी कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए वड्डा न होवे काट न जाए ना मरे न होवे सोग देंदा रहे न चुके भोग गुने होर नाही कोई ना को होवा ना को होए जेवड़ा आप तेवड़ तेरी दाज जिन दिन करके की तीरा खसम विसारे ते कमजात नानक नामे बासनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे क्रम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सकाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन केवड पाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता से मिल संगत गुण प्रकाश जिन हर 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 स्नाम न पाया ते पाग हीन चंपास जो सतगुर सन संगत नी आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाए तिन तुर मस्तक लिखा लिखास तान तान सत्संगत जित हरस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास रा गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वे उदम जा अहर हर जियो परया सैल पत्थर में जन तुपाए ताकर जगागे कर तरया मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुध बनता कोई ना किसकी तरया सिर से रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाव करया उड़े उड़ावे से को सा तिस पाछे बचरे छरया इन कौन खलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करया सब निधान दस अस्त सिधान ठाकुर कर तल तरया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरया राग आसा मल्ला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा गम पारा सत्यावे तुझे सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा अरे आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरख समाना एक दाते एक पे खारी जी सब तेरी चोज बिड़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद भी नवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी जिन नेर पाओ जिन हर नेर पोते आया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जीते हर हर रूप समासी से तन जिन हर्ष त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पग सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापे जवे बेअंता तेरे अनेक पड़े बहु सिमरत सासर जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परम करता जी तू जेवर अवर न कोई तू जुग जु एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तू दे आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तू दे आपे सिर सब उपाय जी तू आपे सिर सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जनोई आसा मल्ला चौथा तू करता सचियार मेंढा साई जो तू पावे सोई थी सी जो तू दे सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप बिछोड़िया मिलाया तू दरिया सत तुझ ही माही तुझ मिन दूजा कोई नाही जी जन सब तेरा खेल भी योग मिल बिछड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सदी आख वखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुझ बिन दूजा अवर न कोई तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा मल्ला पहला तिसरले पहले निवासा पानी पावक तिन ही किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा ते डूबियले मन एक नचे तस मूड मना हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नी पड़या मूरख मुग्धा जन्म पिया प्रणत नानक तिन की सरना जिन तू ना ही विसरे आसा मल्ला पंजवा पई परापत मानुख देहरिया
गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल सा संग पज केवल नाम शरम जाम लाग पवजल तरन के जन्म बिरथा जात रंग माया के रहो जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साधना जान्या हर आया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परेखी राखो शर्मा पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तर चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुस्सबे तुम काओ आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सभे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आसंघरिये पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बरचाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन शत्रु हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास निवरिए जो सदा हमारे पच्छा श्री सज्जू करे और अच्छा राख लियो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो भेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताई हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैजन उपजायो आदि अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कटकट की पटपट की जाने जब बुध करक करा करतारा प्रयातर तब देहे अपारा जब अकर्क करत हो कब हूँ तुम्हें मिला देहे तर सब हूँ जेते बदन से सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद और आलम निरंकार निर्विकार निलंब आद नीलनाद संभ ताका मूल उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूल कछ पेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह भी सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्योराव कही पूपा अंड जे रस्य तजकिनी उत्पुज खान बहु रजदीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट प्यो संकरी कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखावे चंभव आज जुगा स्वरूप स्वंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उभार सिख संघरो दुष्ट जिते उठो तत्पाता सकल मलेश करो रनकाता जे स्तुत सर नहीं परे तिनके दुष्ट दुख है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताकि काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहरे हो ताके ताप तनिक मोहरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होए दो छा छा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताई उभारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारे दुष्ट दोख ते रहा खड़केत में शरण तिहारी आप हाथ दे लो उभारी सर्व ठोर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लो बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किल्विक सकल देहे को हरता दुष्ट दुखियन को छय करता श्री अस्तु जप ए दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बाचत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो यह सुरस न पावई सुने मूर चित लय चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहे ओ जो यह की एक बार चौपाई को कहे चौपाई संव सत्रह सैस पनीजे अर सैस पुन तीन कहीजे पादरो सुधी अष्टमी रविवारा तीर शत्रुद्रो ग्रंथ सुधारा सवैया
पाए गए जब ते तुमरे तब ते कोई आख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान ने कहे मत एक न मान्यो सिमर सा सबे सबे बपीत कहे हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बहे गहे की लाजस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सह सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो तगा वो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कर सब सवारना सब ना गला समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मनाए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु वेटो जिस दिया ए वड़िया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच बतित कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित करता रिया पंच दूत दवासी किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तू जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनद वाजे अनंत सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सर से पूरे गुरते जानी सुनती पुनीत कहते पविसत गुर रहा पर पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनतूरे मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पयो सत्संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो यही वस्त जी न जाए नित नित रख उतारो तम संसार चरण लगतर ये सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कितोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पियोई तरस पया मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीव तन मन थीवे हरिया पौड़ी तिथे तू सम्राज जिथे कोई नाही ओथे तेरी राख अग्नि उदरमा है सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाए पौजल बिखम उसका गुड़ शब्दी पार पाए जिनको लगी प्या समृत से ही खाए कल में हो पुन गुण गोविंद गाए सबसे नो कृपाल संभाले साही साए बिरथा कोई न जाए जे आवे तुद आए श्लोक महला पंजवा अंतर गुरु आराधना जीवा जब गुरु नाओ नेत्री सतगुर पेखना सोनी सुनना गुरु नाओ सतगुर से तीरत्या दरगे पाइये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनु ए वादे जग में उत्तम काढ़िए विरले केई के महला पंजवा रखे रखन हारा पुबारियन गुर की पैरी पाए का सुआरियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साजना के संग पौजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन मह विदारियन तिस साहेब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए तिस साहेब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह हरजीत भैन जी आप जी श्लोक पढ़ के अरदास कर लो जी
वाहेगुरु जी। श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम देसे गुरुदेव मन निरोधरा गुरुदेव सांत सद्बुद मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आचुगा जुग जुग गुरुदेव मंत हर जपुद्रा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जी तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सुतरदारी तुमते होए सो आगे आकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु कह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ ना जाने मेरा वाहे गुरु जी। बोलो जी वाहे गुरु जी। तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास ताको बिगन्ना को लागे जाकी प्रभागे अरदास अरदास एक ओंकार। श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याय फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदास सह होई सहाय अर्जन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर किशन जी त्याये जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिये करना निध्यावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी साहिब। बोलो जी वाहे गुरु जी। वाहे पंजा प्यारियां चो साहिबजादियां चाली मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के चकिया देख चलाई तेग वाई देख के अंडिट किया तिना प्यारियां सचारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके। बोलो जी खालसा जी साहिब। बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेत सिस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुहाइयां च रखियां ते चढ़े तनारियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई गुरबानियां दित्तियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक के सां स्वासां संग निभाई तिन्हां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके। खालसा जी साहिब। बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दे दर्शन दीदार दा ध्यान करके। बोलो जी वाहिगुरु। प्रीत में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तां तां रचिया रहा है देख देख पते बिद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के भोल वाले। बोलो जी वाहे गुरु। आपके सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान सह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन स्नान चौंकिया चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहिगुरु। आपके सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन स्नान चौंकिया चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहिगुरु। आप जी दे सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पदा रखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरु धामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो
हे निमान्या दे मान सतगुरु नितान्यंता न्योट्यां दी ओट्यास्यां दे आस्रे निपत्यां दी पत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तन तन गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तन तन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह तन तन श्री गुरु हरकिशन साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर अरदास बेनती दतार पातशाह जो आप ने अमृत जीवन कोश की सरबत संगतां दे सीस ते मेहर भरिया रख के संध्या वेले दे दीवान सजाए सजे हुए दीवाना विच आप जी दी सरबत संगतां ने अपने अपने ग्रह विखे बैठ के रल मिल के जुड़ के आप जी दी अमृतमयी बाणी राम कली की वार ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨੋਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ਬਦ ਜਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਸੋਦਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਹਰ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੱਕ ਅੱਖਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਸ਼ਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਲ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਲਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਲਓ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਦੋ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹਰਲੀਨ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚੇ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਕਤਾ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੌਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਕਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਆਪ ਹੀ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਨਾ ਭਾਵੇ ਸੋ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਚੰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਨ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
अरदास बेनती कर दिया हुई हां बेअंत बेअंत फुलां चुका नु बख्श लेना मालका बख्श लेना साडे प्यारे भैन जी सुखमन प्रीत नाम आप जानी जानु सच्चे पातशाह उन्हां दे जो भी परिवारिक समस्यावां ना आप उन्हां दा परिवारिक समस्यावां दा हल आप जी ने कढ़ना है अंग संग साई होके उन्हां दे परिवारिक कष्टां दा निवारण करना दतार पातशाह कृपा करो हुण अपने हलाई हुकमनामे बख्शो ते अपने हुकमनामे साहिब ते चलन दी समर्था बख्शना अखर वादा काटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेलो जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी बोले सोने हाल सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होई हमरी बेदन तू जानता मेरे साह और क्या जाने कोई राव साचा साहिब सच तू मेरे साह तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आखिए साहा दूजा नहीं कोए सबना विच तू वर्तदा साहा सब तुझे त्यावे दिन रात सब तुझ ही था हो मंग दे मेरे साहा तू सब ना करे एक दात सबको तुझ ही विच है मेरे साहा तुझ ते बाहर कोई नहीं सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साहा सब तुझ ही माए समाए सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे साहा जो पावे त्यू रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह जो पावे त्यू रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह सो कोटल गुर सेविए एन सो सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद जिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सजन सच्चा पातशाह शिरशा हांदे शाओ जिस पास बैठे आ सोई है सबना दावे साओ वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जाके वस है काम देना सो ऐसा हर त्याये मेरे जेड़े ता सर्ब सुख पावे मेरे मना इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जाके वस है काम देना सो ऐसा हर त्याये मेरे जेड़े ता सर्ब सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याये हर पुरख निरंजना राव जय हर सिमरन पया तै उपादगत कीनी वडबागी हर जपना जन नानक को गुरे मत दीनी जप हर पौजल तरना जय हर सिमरन पया तै उपादगत कीनी वडबागी हर जपना जन नानक को गुरे मत दीनी
जप हर पौ जल तरना वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी बोले सोने हाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी संगत जी अरदास बेनती करदे आं हुकमनामा साहिब लैंदे आं होईआं बेअंत बेअंत भुला चुका नूं संगत बख्शनहार जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी संगत जी जिन्हां दी चरण है वो अपनी कथा विचार शुरू कर देन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह संगत जी अज असीं साका नीला तारा तो बाद दे हालातां बारे थोड़ा जिहा जानन की कोशिश करांगे उन्हीं दिनी जलंधर छाउणी नेड़े पिंड दकोहा दे गुरद्वारे विच मगरों खाड़कू जाने जांदे सिंघां ने एक मीटिंग सद्दी जिस विच लगभग 15-20 नौजवान शामिल होए उन्हां विच खाड़कू धर दे मुखी भाई मनवीर सिंह ते भाई धन्ना सिंह जो मगरों पंथक कमेटी दे मैंबर भी बने वो शामिल होए इन्हां दोहां सिंघां नूं छड्ड के बाकी नौजवानां नूं जद मैं पुछिया कि संघर्ष विच किवें आ गए तो हर एक का उत्तर सी कि संत भिंडरांवालियां दीआं तकरीरां सुण के अमृतसर पहुँच के पुराने बाखपकारां सिख स्टूडेंट फैडरेशन ते दमदमी टकसाल दे बचे खुचे समर्थकां नाल संपर्क बनाया हुण की करिए मैनू जो सुझिया वह मुद्दे सन कि आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन नूं एक सुर करना ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣੇ ਇਸ ਸੰਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ 1985 ਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਲਪਿਤ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ 1984 ਤੇ 85 ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਭਗ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਣ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਚਤਾ ਵੱਲ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 1985 ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਥਾਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਮੈਡਲ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਓਠੀਆ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਈਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਲੂਸ
चंडीगढ़ के बाहर तक कढ़िया गया जिस वालों एक मेमोरेंडम समय की सरकार को दिता गया। इस तरह ऑल इंडिया सिख फैडरेशन आम संगत के सन्मुख लिया के सिख संघर्ष का केंद्र बना लिया। ये समय सन जदों पंजाब विच नवी चोण चर्चा चल रही थी। तलवंडी अकाली दल का दफ्तर उन्हीं दिन बाबा जोगिंदर सिंह होरां दी सरगर्मी का केंद्र सी ते वह आप सिख राजनीति के मुखी बने हुए सन। पंजाब विच चोणां दी चर्चा जोरां ते सी। इस संबंधी कौन की करे सरगर्म बहस का विशा से सिख फैडरेशन की मुख धारा राही मेरा यह जतन सी कि पंजाब दियां ओ चोणां लड़ियां जाण क्योंकि साढ़ सत्ती दियां हालतां विचों निकल के सिखां ने अपने गुस्से का प्रगटावा करना सी ते रवायती अकाली दल दी लीडरशिप नूं मानता नहीं सी मिलनी। बाबा जोगिंदर सिंह चोणां दा बाइकाट करन ते अड़ गए जिस दा लाभ रवायती अकाली दल दी लीडरशिप नूं होया ते इहदे सिट्टे वजों सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब दे मुख्यमंत्री बन गए। मेरा अनुभव है कि बाबा जी दी इह चोण ना लड़न दी पहुंच सरकारी खुफिया एजेंसियां दे प्रभाव सदका सी। रवायती सोच नूं नवीं लीडरशिप दे गलमड दित्ता गया। संत पिंडरां वालियां दे सहयोगी वड्डी गिणती विच शहीदियां पा गए सन पर फिर भी किधरे किधरे दमदमी टकसाल दे राही उन्हां दे खिंडर पुंडरे सिंह राजनीतिक सरगर्मियों विच विचरे सन। इन्हां विच मुख रूप विच भाई मनवीर सिंह जो आम करके जनरल हरी सिंह दे नां नाल पुकारे जांदे सन अते खाड़कू अखवाउण वाली समुची धिर दे फौजी कमांडर मन्ने जांदे सन भी शामिल सन। फैडरेशन के लगभग सारे आगू साका नीला तारा पिछों जोधपुर की जेल में बंद सन। साका नीला तारा पिछों सिख लीडरशिप दीयां दो जवान पीढ़ियां खत्म हो गई सन। इस मनशे की प्राप्ति सरकार ने बड़े ब्योहतवन ढंग नाल कीती सी। आल इंडिया सिख फैडरेशन के सरगर्म होने तो पिछों साडा मुख निशाना दमदमी टकसाल नूं सिख संगत के सामने लियाउण दा सी जिसकी ब्योहत यह बनाई गई सी कि गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे शहीदां दे परिवारां नूं सन्मानित करन दा मुद्दा लै के एक वड्डा समागम कीता जावे। उन्हीं दिन इस स्थान ते उजाड़ वर्गी हालत सी ते बाबा ठाकर सिंह उत्थों दे अस्थाई आगू दा फर्ज निभा रहे सन क्योंकि श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते तख्तां दे जथेदार लगभग अर्थहीन हो चुके सन। इसलिए सोच यह बनी कि सरबत खालसा बुलाउण दा आरंभ वड्डी पद्धर ते होवे सिख शहीदां दे परिवारां वल्लों कीता जावे। यह भी सोच बनी कि पंथक संस्थावां दी ढाट वाज दे समय जे श्री अकाल तख्त साहिब दी सरकार वल्लों बनाई गई इमारत बनी रही तां आउण वाले समें विच सिख जगत अंदर दफाड़ पै जावेगी। कुछ लोग इस इमारत नूं मानता देणगे ते कुछ इस नूं सतिकार नहीं देणगे क्योंकि यह सरकार दी बनाई हुई सी। उन्हां समयां दी साडी धिर दी सब तों वड्डी उपलब्धि श्री अकाल तख्त साहिब की नवी इमारत की सिरजना अते उस दे गिरद जमीन थले उत्थे शहीदियां प्राप्त करन वाले सिंघां दी याद विच शहीदी गैलरी का बनाउणा सी जो अज ताईं भी शहीदां दे चित्रां तों सखणी पई है। श्रोमणी गुरु प्रबंधक कमेटी सरकारी असर अते अपनी हीण भावना ते बेईमानी बस उसनूं बणदी वरतों विच नहीं लिया रही। सरकार वालों कांग्रेस केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह की अगुवाई विच ते बुढ़ा दल दे सरकारी समर्थक बाबा संता सिंह की देखरेख थले मरम्मत करवाए गए अकाल तख्त साहिब की इमारत ढा के उसकी उसारी नवे सिरों करवाए जाण अते इस कार सेवा का केंद्र बिंदु दमदमी टकसाल नूं बनाया जाण का फैसला किया गया जिसका फैसला 26 जनवरी 1986 श्री अकाल तख्त साहिब ते होए सरबत खालसा ने लिया। इस पैंतड़े संबंधी सलाह मुशवरा करन लई टकसाल दे कुछ सज्जणां नूं मैं नाल लैके जोधपुर जेल विच फैडरेशन दे आगुआं नूं मिलिया जिन्हां विच प्रमुख भाई मनजीत सिंह भाई हरमिंदर सिंह संधु ते भाई रजिंदर सिंह मेहता अते भाई अमरजीत सिंह चावला सन। उस सलाह मुशवरे पिछों कुछ भी ना निकलिया सवाए सरदार हरमिंदर सिंह संधु दे कहण दे कि पहला ही बहुत मार पै चुकी है हुण दोबारा अकाल तख्त साहिब मूह ना करियो। गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश विच कोई इकट्ठ बुलाउण लई बाबा ठाकर सिंह दी आग्या लैणी जरूरी सी पर उन्हां ने इह आदेश जारी कर दिता कि जिन्हां नूं सन्मानित करना है उन्हां नूं बुला के गुरद्वारा साहिब दे अंदर सरोपे दे दिओ। इत्थे किसे किस्म नारेबाजी
नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इत्थे आवे वह केवल सतनाम वाहिगुरु का जाप करे। बड़ी भयानक स्थिति विचों लंघ के डर की भावना की जकड़ समझ विच आउंदी सी, पर भय नूं तोड़ना उस समय की लोड़ सी। इस लोड़ की पूर्ति लई फैडरेशन के नौजवान समर्थकों के साइकल सवार जत्थे बना के हर रोज दो तीन बार गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश विच मत्था टेकण आने शुरू हो गए सन। ते उन्हां दी जवान ते मुख नारा संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जिंदाबाद दा सी। बाबा ठाकुर सिंह इस किस्म की कार्रवाई के विरोधी सन। श्री अकाल तख्त साहब की कार सेवा लैण तो इसलिए इनकारी सन कि यह उन्हां दी संस्था का असली मुद्दा नहीं। बाबा जी ने मनाउण दे बड़े जतन हुए ते अंत यह पता लगा कि शहीद सुखदेव सिंह सखीरा एक अजिहे व्यक्ति हैं जिहदी गल बाबा जी मनते हैं। समा नियत करके भाई सखीरा होर सज्जणा समेत उत्थे आए ते मैं भी उस समय उत्थे पहुंच गया। बाबा ठाकर सिंह एकदम इस गल ते सहमत हो गए कि असी श्री अकाल तख्त साहब की नवी उसारी दमदमा टकसाल वालों कार सेवा राही करवाउण लई